मैं हूँ विवेकानंद यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बीएनवाई न्यूज। फिर एक बार आज नया पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जारी की गई है और नीतीश कुमार के द्वारा 15 साल के शासन काल का बखान किया गया। यह पोस्टर राबड़ी आवास के सामने लगी हुई है, लेकिन उस पोस्टर में कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल का नाम नहीं लिखा हुआ। उस पोस्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों को लाइन में खड़ा किया जाता है, माफियाओं को मुख्यमंत्री आवास में बुलाया जाता है, बालिका गृह कांड जैसे कांड को कराया जाता है और आम लोगों के सुविधा के नाम पर आम लोगों को लाठियों से पीटा जाता है, टीवी और अखबार में चेहरा चमकाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, प्रचार के माध्यम से अपने आप को चमकाने का जो काम किया जाता है, इन सारी बातों का बखान उस पोस्टर में किया गया है और नीतीश कुमार का भी उस पोस्टर में फोटो चिपकाया गया है। आपको पता हो कि पिछले कई महीनों से पोस्टर वार जारी है। पोस्टर लगाने का जो सिलसिला था इसे शुरू किया था जनता दल यूनाइटेड ने, उसके बाद पोस्टर पर पोस्टर लगना प्रारंभ हुआ। कई बार जदयू ने पोस्टर लगाया तो कई बार राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्टर लगाया। इन सारी बातों पर इसलिए गौर किया जा सकता है कि इसी साल बिहार में चुनाव होनी है, 15 साल का शासनकाल नीतीश कुमार का पूरा होगा और नीतीश कुमार को 15 में जनादेश मिला था राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़कर जीत कर आए थे और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। मगर कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर रातों रात भाजपा में जाकर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लिए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने। जनता के जनादेश का अपमान हुआ ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण आरोप लगाते हैं। कई तरह की आरोप को झेलना नीतीश कुमार को पड़ रहा है। चूंकि बिहार में अपराध बढ़ गई, बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर जैसे कांड हुए, बच्चियों का शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ, दवा खिलाकर सेक्स कर किया जाता था, साथ ही साथ सृजन घोटाला सहित कई घोटाला हुए। विकास के नाम पर कहा जाता है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जाता है और केवल चुनावी सभा की जाती है और सरकारी राशि का दुरुपयोग होता है, जमीनी कोई भी काम झलक नहीं रहा। इन सारी बातों को पोस्टर के माध्यम से जनता के बीच में लाने का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल की ओर से की जा रही है। बच्चों को लाइन में खड़ा करने की बात कही गई है तो जल जीवन हरियाली में जो मानव श्रृंखला बनाया गया था उसमें बच्चों को ठंड में बिना चप्पल और मौजा के लाइन में खड़े किए गए थे, इन सारी बातों को दर्शाया गया है। झूठ को फैलाया जाता है, तरह तरह के आरोप मनगढ़ंत लगाए जाते हैं। इन सारी बातों पर दृष्टि डालने के लिए पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के बाद यह तय है कि फिर एक नई पोस्टर लगनी मानी जा रही है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।